हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बायो फर्टिलाइजर्स। फर्स्टली स्टूडेंट्स, वी शुड नो व्हाट इज द फर्टिलाइजर्स। ओके, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इनरिच द सॉइल क्वालिटी, वी कैन से, या सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ऐसे केमिकल्स जो सॉइल की जो एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बच्चों, बायो फर्टिलाइजर है। क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। तो बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। ऐसे फर्टिलाइजर्स जो कि क्या है, वो लिविंग है। मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, और वी कैन से द सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इंक्रीजेस विच इनरिच द सॉइल क्वालिटी, और विच इनरिच द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज और भी आपको मन में आ रही हो कि फर्टिलिटी सर बोल रहे हैं, फर्टिलिटी क्या होती है? देखो, सॉइल बच्चों कोई प्लांट्स है, तो सॉइल को में जब एलिमेंट्स ही कम रहेंगे, मतलब उसमें पता चला कि जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ठीक है, जिंक है, आयरन है, जो कि विच आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट्स, अगर उनका नंबर ही कम हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी? रिटार्डेड हो जाएगी, स्लो ग्रोथ होगी। ठीक है, लेकिन हम उसको अगर बाहर से सप्लाई कर दें, ठीक है, बाहर से सप्लाई कर दें, तो क्या होगा? बहुत अच्छे से हमारा प्लांट ग्रो करेगा, एंड हेल्दी प्लांट गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो उससे क्या होगी, हम फार्मर्स को ज्यादा फायदा होगा, फार्मर्स को ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा, और लोगों को भी उस चीज को खरीदने में दिक्कत नहीं आएगी, वो हर जगह अवेलेबल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको बता दिया फर्टिलाइजर क्या होते हैं, फर्टिलिटी क्या होती है, देन वी हैव टॉक अबाउट बायो फर्टिलाइजर। ओके, सो क्या हुआ कि आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल स्टार्टेड गेटिंग डिक्रीज्ड। ओके, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज यू नो प्लांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू एनरिच द सॉइल क्वालिटी, वी कैन से, या सॉइल फर्टिलिटी। ओके, तो केमिकल्स दे दे के पूरा होते ना, सॉइल बैरन होने शुरू कर दी, अभी भी बहुत जगह है। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर बायो फर्टिलाइजर का आइडिया आया और इस पर काम करना शुरू किया। आसाम इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच इज डूइंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग, विच इज डूइंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आप सोच रहे हो सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बच्चों बायो फर्टिलाइजर इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? अ फार्मिंग विच इज डन विदाउट एनी केमिकल। ओके, विदाउट एनी केमिकल मीन्स पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, और विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर, न तो कोई इसमें कोई पेस्टिसाइड यूज किया जाए, न इंसेक्टिसाइड यूज किया जाए, या न ही कोई इसमें केमिकल यूज किया जाए, जैसे कि जिससे कि क्या सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव गॉट द पॉइंट। बच्चों चलिए, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। अब साइनोबैक्टीरिया सुन के कुछ लोगों को लगा होगा, अरे सर ये क्या बता दिया आज नया चीज। आई टॉट यू ऑल इन द क्लास 11th व्हेन आई वाज टीचिंग यू किंगडम मुंड्रा, मुंड्रा बताए थे बच्चों ना, मुंड्रा बताए थे ना, तो ये मुंड्रा का, ये पहले एल्गी में थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये पहले प्लांटी किंगडम के थे। ठीक है, प्लांटी किंगडम थे, बाद में इनको कहाँ रख दिया गया बच्चों, किंगडम मुंड्रा में रख दिया गया। कहाँ रख गया? किंगडम मुंड्रा में रख दिया गया। ठीक है, तो चलिए इस बारे में लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, पहला बच्चों यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया, दैट इज फर्स्ट यू कैन से बायो फर्टिलाइजर इज द बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक स्टेट में होते हैं। आप देखे होंगे कि पीजन पील अरहर हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, ठीक है, पी हो गया, तो उनके रूट में, उनके रूट में हम देखेंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे देखिए,
ठीक है, दैट इज द प्लेस ऑफ द लिविंग ऑफ द राइजोबियम। ये क्या सिम्बियोस्टिक बैक्टीरिया है, सिम्बियोसिस शो करता है विद द रूट नोडल रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें क्या लेग्यूम्स बनते हो। अब मटर में देखोगे ना, मटर में लेग्यूम बनता है, पी बनता है, ठीक है, ग्राम में बनता है, वो लेग्यूम होता है जिसमें उसकी फल लगती है। ओके, सो दीज आर एग्जांपल्स। फ्री लिविंग भी होते हैं जिनको फ्री लिविंग मींस दे डोंट नीड एनी सपोर्ट एनी यू कैन से पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप में काम करते हैं, जैसे एजियोस्पर्म हो गए और एजियोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, फ्री ही रहते हैं, तो कहीं सॉइल में पाएंगे, कहीं एयर नहीं पाएंगे, मिली तो सॉइल में रहेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। कैसे कैसे ये करते हैं बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूरिया में बदल सकते हैं या नाइट्रेट में बदल सकते हैं। आप ऐसे कर लीजिए NO2 या NO3 में नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलते हैं, और नाइट्रेट ही क्या होती है, यूजफुल होती है, ठीक है। नाइट्राइट का भी कन्वर्जन बाद में नाइट्रेट में हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स थ्रू देयर रूट हेयर, ठीक बच्चों, इस तरह से इसका हमने आपको बता दिया। अगला क्या बच्चों, फंगी है। देखिए हायर प्लांट्स की रूट और जब फंगस में जब एसोसिएशन होता है, देन दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन नोन एज माइकोराइजा। वंस मोर द एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द और बिगन से रूट हेयर ऑफ द हायर प्लांट्स विद द फंगस। ओके, फंगस में स्पेशली कौन सा है, जीनस ग्लोमस। ग्लोमस क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा पेनिसिलियम नोटैटम, तो इसके साथ नहीं रहता एसोसिएशन, ये सिम्बियोसिस नहीं शो करता है। लेकिन जब ग्लोमस स्पीसीज जीनस रहेगा, इसके जितने भी मेंबर्स हैं दे शो द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द हाइफी ऑफ द फंगस या वी कैन से विद द विद विद रूट हेयर ऑफ द हायर प्लांट्स, ठीक है। तो उसके साथ क्या करता है, ग्लोमस शो करता है। देखिए लिखा भी है, जीनस ग्लोमस यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस टू द प्लांट्स, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसमें क्या कहता है, जिस प्लांट्स में ऐसा होता है उसको बोलते हैं माइकोराइजर रूट्स। क्या बोलते हैं, माइकोराइजर रूट। एक होता है कोरलोइड रूट। क्या होती है, कोरलोइड रूट साइकस के साथ एल्गी का होता है, ठीक है, साइकस विद एल्गल विद एल्गी, दिस कॉल्ड कोरलोइड रूट। यहां क्या होगा, हायर रूट्स रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स प्लस फंगस, ठीक है। फंगस में कौन सा है, ग्लोमस। थर्ड वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके स्पोर्ट्स आते हैं, बॉडी आती है, उसको लेकर के पैडी के खेतों में ऐसे फेंक दिया जाता है, दिस डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्पर्स टू पैडी फील्ड। ओके, और वहां पे क्या होते हैं, ये यूज कर लेते हैं उनको सीधे, ठीक है। तो दीज आर ऑटोट्रॉपिक ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑटोट्रॉपिक ब्लू ग्रीन एल्गी आई टोल्ड ऑलरेडी टू ऑल पार्ट ऑफ किंगडम प्लेंटी, किंगडम प्लेंटी का था ये, ठीक है। बाद में इसको निकाल के कहां रखा गया, किंगडम मोंड्रा में, किंगडम मोंड्रा में। वन मोर थिंग बच्चों, क्या होता है, ये सिंगल सेल्ड होते हैं मेनली, क्या होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, मल्टी सेलर भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इनके पास क्लोरोफिल होती है, क्या होती है, क्लोरोफिल। इसलिए क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ऑटोट्रॉफिक ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ऑटो यानी कि ऑटोट्रॉप्स बोल दिया गया। आगे देखिए, विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मीन्स इन टू वाटर, राइस फील्ड है, पैडी फील्ड है, तो वहां पे तो वाटर रहेगा बच्चों, क्या होगा, एंड टेरेस्ट्रियल यानी कि अर्थ के सर्फेस पे भी पाए जाते हैं, एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और नाइट्रेट सॉइल में पड़ा रहता है, और सॉइल से ही तो प्लांट्स का रूट क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। दीज आर यूज इन पैडी फील्ड्स, ओके, एंड दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। द फार्मिंग विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स
एंड फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि केमिकल्स में बता दिए आपको, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर भी, ठीक है। चलिए, तो विद दिस आई फिनिश दिस टॉपिक एंड विद दिस योर चैप्टर 10 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। ओके, नाउ वी विल जम्प टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 2। ओके, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।